तो दोस्तों वी आई सिम यूजर के लिए सबसे बेहतरीन एपीएन लेके आया हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा इसे खोजने में टाइम लगा है। लगभग 3 से 4 दिन इसे यूज किया हूँ दूसरे फोन में वी आई के सिम में, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। बताने वाला हूँ इस एपीएन को, और जो लास्ट वाला का जो सेटिंग बताऊँगा उसे आपको ज़रूर ऑन करना है। सबसे पहले तो आपको एपीएन बताऊँगा, बहुत ही ज़बरदस्त एपीएन है भाई। आप इस एपीएन का एक बार सेटिंग कर लेंगे ना तो आपको 2-3 वर्ष तक छुट्टी हो जाएगी कि इस एपीएन को आपको चेंज ही नहीं कीजिएगा। आप किसी भी एरिया से बिलम्ब करते होंगे बट आपका फ़ोन में ये एपीएन वर्क करेगा, क्योंकि बहुत ही फ़ोन में मैंने एपीएन ये यूज किया हूँ। और दोस्तों आपका एपीएन, इस एपीएन से आपका इंटरनेट स्पीड कहीं भी रुक जाता है तो आप कमेंट में जो लिखना चाहते हैं आप लिख दीजिएगा दोस्तों, आपका जो मन करे जो लिख दीजिएगा। बट आप इस एपीएन को एक बार ध्यान से देखना है, आपको एक पार्ट भी स्किप कर देते हैं या मिस कर देते हैं तो ये एपीएन आपके फ़ोन में वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो चलिए अब एपीएन की तरफ बढ़ता हूँ और आपको लाइव करके दिखाऊंगा। और पर्सनली इस एपीएन को बहुत लोगों को मैंने अपने दोस्तों को बताया हूँ, तो जाकर उन लोगों ने बोला कि बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट मिल रही है मुझे, तो ही आपको बता रहा हूँ। और इस एपीएन में मुझे 4 दिन लगा है खोजने में, 4 से 5 दिन। पहले अपने फ़ोन को सेटिंग में जाना है, फ़ोन के सेटिंग में जाने के बाद सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है, जो वी आई का सिम होगा वहाँ पर आपको क्लिक करना है, एक्सेस पॉइंट नेम पर जाना है और सबसे पहले आपको रीस्टार्ट कर देना है। यहाँ पर रीस्टार्ट पर क्लिक करके आपको रीस्टार्ट कर देना है, जो भी आपका एपीएन बनाए होंगे वो एपीएन आपके फ़ोन से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्लिक करना है न्यू एपीएन पर, ठीक है, आपको न्यू एपीएन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं आपको यहाँ से एपीएन बना कर रखा हूँ, उसके बाद ही आपको बता रहा हूँ कि कहीं मिस ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए जिससे आपके वर्क ना करे। मुझे आपको धोखा नहीं देना है, आपको जो रियलिटी है, जो मैं सच्चाई आपको, आपसे मैं झूठा वादा नहीं करूँगा, ठीक है, आपको जो बातें होगी सच्चाई बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको नेम में देखिए लिखना है वी आई फास्टेड 5G, ठीक है। आप ध्यान से देखिए वी आई फास्टेड 5G, आपको ध्यान से देख लेना है स्पेलिंग, भी पहला बड़ा होगा, उसके बाद एफ भी बड़ा होगा, उसके बाद जी भी बड़ा होगा। आप ध्यान से स्पेलिंग देख लीजिए, जिस तरीका का है उसी तरीका से आपको लिखकर ओके कर देना है। एपीएन में आना है, एपीएन में भी आपका यहाँ पर बड़ा होना चाहिए, उसके बाद आई वी आई डॉट कॉम, इसके यहाँ पर मतलब आपको स्पेस नहीं देना है और भी होगा जो आपका यहाँ पर बड़ा अक्षर होना चाहिए तभी जाकर वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद ओके कर देना है, ओके करने के बाद यूजर नेम पर आना है, यूजर नेम पर 5G beta.speed, यहाँ पर सबसे पहले तो 5G बड़ा होना चाहिए, बी भी बड़ा होना चाहिए, उसके बाद डॉट दे देना है, स्पेस नहीं देना है, और एस जो होगा आपका बड़ा होना चाहिए, उसके बाद ओके कर देना है। ध्यान से आपको देखना है और सर्वर में आना है www.google.com, ये लिखकर आपको सेव कर देना है सर्वर में, ठीक है, www.google.com। उसके बाद आपको नीचे आना है और ओथोनियन टाइप पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको चैप पर क्लिक कर देना है, चैप पर क्लिक करने के बाद एपीएन प्रोटोकॉल पर आना है और नीचे वाले को सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल पर आकर नीचे वाले को सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद आपको बैरियर में आना है, और बैरियर में आने के बाद आपको सिर्फ एक एलटी वाला होगा उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके ओके कर देना है, सिर्फ एलटी को। एलटी जो होता है हर फोन में हर डिवाइस में वर्क करती है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एलटी को सेलेक्ट करना है, उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करना है और इसे सेव कर लेना, ठीक है। सेव करने के बाद आपको इसे कनेक्ट करा देना है, कनेक्ट कराने के बाद आपके अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करना है, रिबूट करने के बाद आपका जो नेट का स्पीड होगा बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा। अगर नहीं होता है तो आप एक बार कंपनी कस्टमर केयर से बात कीजिए और उनसे शिकायत कीजिए कि मेरा वी आई का सिम बहुत ही स्लो नेट चलता है, प्लीज़ चेक कीजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, उनसे शिकायत दर्ज कीजिएगा, उसके बाद आपका एपीएन वर्क करेगा। यदि दोस्तों आपका ये एपीएन वर्क कर रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए थैंक्स, यदि नहीं वर्क कर रहा है तो आप लिखिए वीडियो नोट ट्रिक्स नोट वर्किंग, ठीक है, आप ये लिखकर कमेंट कर सकते हैं। नहीं वर्क कर रहा है, हर फोन में नहीं करता है वर्क, नहीं करेगा तो मैं आपके लिए एक स्पेशल एपीएन लाऊंगा, जो कि मैं बहुत ही अभी ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ एपीएन के ऊपर अलग अलग फ़ोन में, उसके बाद आपको एपीएन बताऊंगा जो एपीएन सबसे बेस्ट होगी, ठीक है। हर फोन में हर एपीएन अप्लाई करता हूँ, जिस फोन में जो एपीएन वर्क करती है उसी के रिलेटेड अब वीडियो आएगी। दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।